कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं, आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है।